हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल व्लॉग्स विद सुल्तान। तो आज मैं आ गया हूं भारत की बहुत ही पुरानी मस्जिदों में से एक मक्का मस्जिद की तरफ, जो कि हैदराबाद में स्थित है और बिल्कुल चार मीनार से सटी हुई, और इसके बगल में लाड बाजार लगता है जो कि चार मीनार से बिल्कुल सटी हुई। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मस्जिद है। इसका नाम मक्का मस्जिद है। यहाँ की जो पत्थर और चीज़ें आई थी वो मक्का शरीफ से आई हुई थी, इसलिए नाम इसका मक्का रखा गया था। तो दोस्तों, इस मस्जिद का निर्माण 1617 में कुतुब कुली शाह ने करवाया था, जो यहाँ के पांचवें या छठवें सुल्तान थे। इस खूबसूरत मस्जिद का निर्माण 1617 ईस्वी में कुली कुतुब शाह, जो मैंने बताया, उन्होंने स्टार्ट करवाया था, लेकिन इससे बनने में 77 साल लग गए, एक लंबा समय लग गया। और इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी, आप हमारे पीछे की तरफ आप खुद ही देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये 1694 में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के समय में जाके बन के तैयार हुई, 77 साल लगे, और इसमें 10,000 की कैपेसिटी है नमाज पढ़ने की, ऐसा बताया जाता है। तो ये मस्जिद काफ़ी खूबसूरत है, और अब तक मैं गया कई मस्जिदों में तो उस हिसाब से काफ़ी भारत की पुरानी मस्जिद, जैसे भोपाल वाली मस्जिद है, जामा मस्जिद है, और ये मक्का मस्जिद है। ऐसी ही कई मस्जिदों में एक शुमार ये पुरानी मस्जिदों में है, तो एक अच्छी मस्जिद हो सकती है। हमारे यहाँ लखनऊ में भी एक मस्जिद है जो कि बड़े इमामबाड़े में स्थित है, वो भी काफ़ी प्राचीन मस्जिद है। तो अभी अंदर की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ नमाज अब पहले लॉकडाउन में नहीं होती थी, लेकिन अब ये नमाज के लिए खुल गई है और नमाज यहाँ पर होती है। तो आप जहाँ जब भी आएँ तो नमाज अदा ज़रूर करें। मक्का मस्जिद हिस्टोरिकल प्लेस होने के साथ साथ पत्थरों से बनाई गई हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, और पत्थरों से बनाई गई मस्जिद हिंदुस्तान में बहुत कम है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। उसके अलावा कई सौ सालों से ऐसे ही खड़ी है। उसके अलावा यहाँ के अंदर की खूबसूरती पूरा वीडियो देखिए, मैं दिखाऊंगा, ये रात के समय और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पर रोज़ लाखों लोग मस्जिद को सिर्फ देखने आते हैं, बाकी लोग नमाज भी अदा करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और भी हैदराबाद सीरीज है, उसे भी चेकआउट करिए। और यहीं से देखिए चार मीनार दिखता है, चार मीनार से बिल्कुल सटी हुई ये मस्जिद बनाई गई है। और देखिए सामने जो पैलेस है, इसमें सलमान खान की बहन की शादी भी हुई थी। तो काफ़ी कुछ हैदराबाद में देखने के लिए है। हैदराबाद वालों तक ये वीडियो शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए। तो चलिए अंदर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वजू खाना है, जैसे कि जामा मस्जिद में वजू खाना बनाया गया, वैसे मक्का मस्जिद में भी बनाया गया। मक्का मस्जिद माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, आप खुद ही देख सकते हैं हमारे पीछे का नज़ारा। तो वजू खाना इतना साफ है कि पूछिए मत। और देखिए सामने हरा हरा पानी दिख रहा है, इसमें मछलियाँ तो नहीं हैं, और बाकी जगहों पर मछलियाँ डाली रहती हैं। तो पानी एकदम साफ सुथरा है। और देखिए एक चचा हैं जो वजू कर रहे थे, मैंने कवर भी इनको किया है, तो मुझे पानी काफ़ी ज़्यादा उसके अलावा साफ लगा और पसंद भी आया। 77 साल में बनकर तैयार हुई थी, 8,000 मजदूर यानी राजगीर इसमें लगाए गए थे। ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बनकर तैयार हुई थी। तो सोचिए 1617 से शुरू होकर 1694 के बीच इतनी बड़ी इतनी अच्छी मस्जिद। और हमारे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ से चार मीनार भी दिखता है। तो कुल मिलाकर यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, हैदराबाद के लोग काफ़ी मिलनसार और काफ़ी हेल्पफुल हैं, जैसा मैंने सुना था बिल्कुल वैसा पाया भी है यहाँ पर। तो गाइज़ ये देखिए रात के समय इसमें रोशनी हो जाती है, काफ़ी बेहतरीन तरीके की मक्का मस्जिद दिखती है। आप हमारे पीछे मीनारों की तरफ देख सकते हैं लाइटिंग। तो अगर आप हैदराबाद आते हैं मियाँ, तो यहाँ पर ज़रूर आइए एक बार, काफ़ी बढ़िया काफ़ी अच्छा लगेगा। और पुरानी मस्जिद का दीदार हो गया, देखिए बिल्कुल ये ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाई गई है, काफ़ी बेहतरीन तरीके की मस्जिद है। मक्का मस्जिद दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा जगमगाती है। यहाँ पर लाइटें आप खुद ही देख सकते हैं, रात की रोशनी में काफ़ी ज़्यादा जगमगाती है। उसके अलावा मक्का मस्जिद के एक तरफ निज़ाम और उनके परिवारों की कब्रें दी गई है लाइन से। देखिए एक कब्र सबसे पहली मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइन से कब्रें दी गई हैं, पूरी पक्की कब्रें बनाई गई हैं। तो एक लाइन से छोटी बड़ी कब्रें यहाँ पर हैं, तो ये लाइन से आप देखते जाइए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके परिवार की जो छोटी कब्रें हैं वो बच्चों की रही होंगी, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी कब्रें यहाँ पर दी गई हैं। हैदराबाद के आखिरी और आठवें नवाब मीर बरकत अली खान वालाशन मुकर्रम जा बहादुर 14 जनवरी 2023 में इंतकाल कर गए थे, उनकी भी कब्र यहीं पर यह दी गई है। तो काफ़ी सारी कब्रें यहाँ पर हैं। उसके अलावा रात की रोशनी में आप खुद ही मक्का मस्जिद को देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रही है। तो आप लोग यहाँ अगर हैदराबाद आते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट करिए, काफ़ी अच्छा प्लेस है। उसके अलावा यहाँ से चार मीनार भी रोशनी में जगमगाया हुआ काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये देखिए। और यहाँ की जो मीनारें हैं वो काफ़ी मज़बूत पत्थरों से बनाई गई हैं, वो भी बहुत बेहतरीन लगती हैं।
मस्जिद के अंदरूनी परिसर जहाँ पर नमाज होती है ये उसका हिस्सा है। और देखिए जो बंद है ये झूमर है, वाकई में ये ईद, बकरीद और विशेष मौके पर खोले जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को चेकआउट करिए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियो है।